नमस्कार मित्रों, मैं विजय शंकर सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि मैं जो हूं नियमित रूप से स्टॉक मार्केट के संबंध में वीडियो लेकर के आता रहता हूं। तो मित्रों, कोरोना वायरस के भय के कारण आपने देखा कि मार्केट में दो दिनों में गिरावट चल रही है। कल जो था निफ्टी लगभग 6% टूटा था और आज भी लगभग 1% टूटा है। तो आप देखें मित्रों कि मात्र दो दिन की गिरावट में, सोमवार और मंगलवार की गिरावट में, जो लगभग 10,000 के लेवल पर निफ्टी टच कर रहा था वो 9,000 के आसपास चला आया। जानकारों का मानना है मित्रों कि अभी भी मार्केट में गिरावट आ सकती है और मार्केट जो अपना निचला लोअर लेवल बनाया था 23 मार्च को निफ्टी 7500 का लेवल टच किया था, पुनः उस निम्न स्तर को टच कर सकता है और हो सकता हो कि उसके नीचे भी चला जाए तो कोई आश्चर्य का विषय नहीं होगा। तमाम चीजें ऐसी हुई है मित्रों, डेवलपमेंट हुआ कोरोना वायरस का जो कि निगेटिव असर डाल रहा है। सबसे पहले तो यह है कि लॉकडाउन के कारण जो मार्केट बंद है मित्रों, आर्थिक गतिविधियां बिल्कुल ठप हो चुकी हैं, रोजगार कम हो गए हैं। जब रोजगार कम हो गए हैं मित्रों तो लोगों को आमदनी भी कम हो रही है, जब आमदनी कम हो रही है तो लोगों की कमाई भी नहीं हो रही है। इससे लोगों की जो क्रय शक्ति होती है, जो खरीदने की शक्ति होती है, वो लगातार गिर रही है। इस प्रकार मार्केट डाउन ट्रेंड की ओर जा रहा है। अभी हाल ही में एक माइक्रोसॉफ्ट की जो एक सहायक कंपनी है लिंक्डइन, उसका सर्वे आया था। उस सर्वे में बताया गया है मित्रों कि लगभग ज्यादातर लोगों ने माना है कि अगले 7-8 महीनों से भी अधिक समय तक मार्केट सुधरने वाली नहीं है। आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर आने में समय लगेगा। जो मजदूर वर्ग है मित्रों, जहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट है, आप देखे होंगे कि कितने परेशान है, उतने दूरों से पैदल चले आ रहे हैं, 1400-1500 किलोमीटर दूर। और जो मजदूर अपने घरों को वापस आ रहे हैं मित्रों, वो पुनः जल्दी वापस नहीं जाएंगे। तो जब वापस नहीं जाएंगे मित्रों, जब लेबर सस्ता मिलेगा नहीं, तो क्या होगा? प्रोडक्शन यूनिट को अपने प्रोडक्शन में कटौती करनी पड़ेगी। लेबर महंगे होंगे तो उनकी लागत बढ़ेगी, जब लागत बढ़ेगी तो वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी और कीमत बढ़ेगी मित्रों तो उसकी मांग भी कम हो सकती है। इस प्रकार यह एक ऐसा चक्र है जिस चक्र में अर्थव्यवस्था फंसती नजर आ रही है। नजर क्या आ रही है, बल्कि फंस गई है। अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए एक बड़े प्रयास की जरूरत है। अर्थव्यवस्था के मामले में देखें मित्रों तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है कोरोना वायरस का, और सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है यूरोपीय और अमेरिकी कंपनी, अमेरिकी अर्थव्यवस्था। और जैसा कि हम जानते हैं मित्रों, कंजम्पशन और उपभोग के मामले में जितनी मजबूत अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, यूरोपीय देशों की है, उतनी मजबूत दूसरों की नहीं है। किसी का कथन है मित्रों कि यदि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को छींक आ जाए तो दूसरे देशों को निमोनिया हो जाता है। तो आप सोचिए, कोरोना वायरस का जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है, जो छींक आ रही है, छींक क्या बल्कि छींक से ज्यादा गंभीर उसको बीमारी हो गया है, तो दूसरी अर्थव्यवस्थाओं को, जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं या भारत की अर्थव्यवस्था है, कितना बुरा असर पड़ सकता है। बहुत बुरा असर पड़ने जा रहा है मित्रों। लेकिन इन सब चीजों के बीच में ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा ही हो रहा है, कुछ अच्छा भी हो रहा है। अच्छा क्या हो रहा है? सरकार द्वारा पहला क्या अच्छा हुआ है, जो सरकार द्वारा जो राहत पैकेज दिया जा रहा है, कई चरणों में राहत पैकेज दिया गया और कई चरणों में राहत पैकेज दिए जाने की आगे भी योजना है। अभी दो तीन दिन पहले आपने देखा होगा म्यूचुअल फंडों के लिए 50,000 करोड़ का राहत पैकेज दिया। अभी खबरों में ऐसा आ रहा है कि अभी एक और पैकेज केंद्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला है। तो राहत पैकेज जो है अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। दूसरे राहत पैकेज भारत ही नहीं बल्कि दूसरे अर्थव्यवस्थाओं में भी मिल रहा है जो मजबूती मिलेगी। दूसरा मित्रों, क्रूड आयल
जो तेल उत्पादक देश हैं उनकी आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया है। वहां पर क्रूड आप देखेंगे मित्रों तो इस साल 60% से भी अधिक टूट चुका है। हालांकि यह एक निगेटिव न्यूज है, क्रूड का टूटना मतलब कुल मिलाकर यह माना जाए कि डिमांड मार्केट में नहीं है क्रूड की, क्योंकि क्रूड की कीमत अधिक तभी होगी जब मार्केट में मोबिलिटी होगी, जब आवागमन होगा। क्योंकि क्रूड किस में ज्यादा इस्तेमाल होता है? डीजल पेट्रोल के रूप में। जब आवागमन ही ठप है मित्रों तो क्या होगा? याद करिए, आप अपना देखिए, जैसे मैं अपनी बात कहूँ मित्रों कि महीने में मैं 3-4 हज़ार रुपये का पेट्रोल अपनी कार में डलवाता था, अब क्या स्थिति है कि एक बार डलवाता हूँ मित्रों यानी लगभग 700-800 का डलवा रहा हूँ तो पूरा महीना निकल जा रहा है। तो जब ये मेरा हुआ है तो सबका हुआ होगा। तो सोचिए कि क्या स्थिति है। तो जो पेट्रोलियम पदार्थों की जो कीमत गिरी है उसकी वजह से पेट्रोल पंपों पे जो काम कर रहे हैं उनकी भी नौकरी जाएगी। तो एक मल्टीपल इफेक्ट है, उसकी वजह से क्रूड लगातार नीचे चलता जा रहा है। तो क्रूड का गिरना हालांकि तेल उत्पादक देशों के लिए बुरी बात है, लेकिन भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारत जो है शुद्ध रूप से तेल आयातक देश है। इसका तेल फूल घाटा बहुत ही ज्यादा होता है। तो क्रूड जो है इसका नीचे चल रहा है, जिसके वजह से भारत में जो है अच्छा चीज माना जा रहा है। तीसरा जो अच्छा चीज हो रहा है वो आरबीआई द्वारा जो रेट कट किया गया है वो भी बहुत अच्छी चीज है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सभी मामलों में अच्छी चीज है। जब ये रेट कट हुआ है मित्रों तो बैंकों के पास सस्ते दर पर पैसा उपलब्ध कराए जाने के लिए, ऋण के लिए ज्यादा धन उपलब्ध हो रहा है। चौथा कारण मित्रों, मानसून के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है मित्रों कि इस साल भी बेहतर होने जा रहा है। और मानसून जब बेहतर होगा मित्रों तो जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो भी मजबूत होगी। तो कुल मिलाकर के मित्रों अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अभी नीचे जाएगा। जब नीचे जाएगा मित्रों तो अभी खरीदारी के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी और आएंगे, लेकिन कहां खरीदारी करें? सब जगह हम खरीदारी नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट सभी को सही भाव नहीं देता है। जो सेक्टर अच्छे होते हैं उन सेक्टरों पर दाव लगाना चाहिए। तो कोरोना के कारण मित्रों जैसे हम बात करें तो खराब सेक्टर की बात करें कि जिससे सेक्टरों से हमें दूर रहना है, सबसे पहले होटल सेक्टर, क्योंकि यहां पर आवागमन, घूमना फिरना कम होगा जिसकी वजह से होटल सेक्टर खराब होगा। मल्टीप्लेक्स जैसे फिनिक्स वगैरह हो गया, पीबीआर हो गया, आइनॉक्स हो गया, ये सब के सब निगेटिव। छुट्टी बनाने जो हॉलीडे वगैरह का जो पैकेज चलाते हैं वो भी बेकार होने जा रहे हैं। चौथा एनबीएफसी सेक्टर, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं मित्रों कि सरकार द्वारा कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं जिसमें ईएमआई टालने जाने के बारे में बात की जा रही है। तो जब ईएमआई टाला जाएगा मित्रों तो असर किस पर पड़ेगा? एनबीएफसी सेक्टर पड़ेगा। अगला किस पर निगेटिव खबर होगा? बैंकिंग सेक्टर पर। ये सभी प्रमुख ऐसे सेक्टर हैं मित्रों जिस पर की निगेटिव असर होगा। इतना ही नहीं, मेटल सेक्टर भी इससे प्रभावित होने लगा है। सातवां, ऑयल एंड गैस भी प्रभावित होगा क्योंकि इनकी डिमांड कम हो रही है। और पॉजिटिव सेक्टर की बात करें मित्रों
जो अच्छा जाएगा तो उसमें है एफएमसीजी, एफएमसीजी के बाद केमिकल, केमिकल के बाद फार्मा, फार्मा के बाद आईटी। इसमें निगेटिव में ऑटो सेक्टर भी है मित्रों, ऑटो और ऑटो से जुड़ी हुई जो ऑटो पार्ट बनने वाली कंपनियां हैं वो भी उसमें होगी। केमिकल, फार्मा, आईटी, ये सब कंपनियां अच्छे फॉर्म में हैं, तो इन सेक्टर पर दाव खेला जा सकता है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन सभी कंपनियां ऐसी नहीं है मित्रों कि जिसमें निवेश किया जाए, निवेश करने के लिए भी कुछ चुनिंदा कंपनियां हैं जिसमें निवेश करना चाहिए। निवेश करने से पहले कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी के बिजनेस, उसको देखना बहुत जरूरी है। तो 14-15 कंपनियां सेलेक्ट करना है मित्रों, 14-15 कंपनियों में अपना पोर्टफोलियो बनाना है और उस पोर्टफोलियो में हमें पैसा लगाना है।